सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बिटकॉइन आ गया है $55,500, लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी मार्केट के अंदर कि इस बार जब मार्केट ने $58,000 से नीचे जाते हुए BTC लगा $53,000 के आसपास, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई खास गिरावट नहीं हुई। नंबर वन सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है जब बुल सीजन आने वाला होता है कि BTC गिर रहा है लेकिन ऑल्ट नहीं गिर रहे। ये बहुत ही ज़्यादा बार हमने हर बार देखा है, हर सीज़न में देखा है। आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगा। जब बिटकॉइन गिरना स्टार्ट हो जाए और ऑल्ट कॉइन वहाँ पे गिरे नहीं और जरा सा भी बिटकॉइन स्टेबल हुआ और ऑल्ट कॉइन बढ़ना स्टार्ट हो गए, ये सबसे बड़ी निशानी होती है एक बड़े बुल सीजन के स्टार्ट होने की। तो मेरे हिसाब से वो पहली इंडिकेशन हमारे को अभी अभी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ 15 सितंबर इवेंट का टाइम भी आ रहा है, उसके बाद सीधा छूटने भी वाला है, ट्रंप की पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकती है, जो रेट है CPI डाटा वो भी बेटर हो सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं कहूँगा फिलहाल आप में से बहुत लोग दीवाने हो मीम टोकन के, आज बताऊँगा आपको 7 ऐसे मीम टोकन जिसके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। मैंने मेरे ख्याल मैक्स टू मैक्स 10 टोकन्स मीम टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन 7ों के अंदर मैंने एक डिसेंट अमाउंट लगाया हुआ है, बिकॉज इन 7 टोकन के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा रिटर्न। बिकॉज मीम टोकन के अंदर अगर हम बात करें, आपने देखा हो नायरो टोकन जो आया था कल $0.03 से अचानक बढ़ के $0.18 लग गया, 30 मिलियन की मार्केट कैप से 180 मिलियन मार्केट कैप हो गया, 6x 7x विद इन 24 आवर्स। दिस इज़ व्हाट कैन हैपन इन मीम टोकन। तो आप लोग अगर मीम टोकन को बहुत प्यार करते हो तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको 7 ऐसे बेस्ट मीम टोकन जिसके इन रियल यूज़ केस भी काफ़ी अच्छे हैं, साथ ही साथ मैं आपको लो एंड मिड रेंज वाले मीम टोकन की बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे शिबा इनू की बात नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे पेपे की बात नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं डॉज की बात नहीं करने वाला, वो आपके पास होंगे, लेकिन मैं उन मीम टोकन की बात कर रहा हूँ जो कि आपको 5 गुना 10 गुना 20 गुना 100 गुना पोटेंशियल रखते हैं प्रॉफिट देने का। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, बस आप लोगों से इतना ही चाहूँगा 2 सेकंड वो वीडियो लाइक करने के, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि मैं उसको ज़रूर हमारे चैनल के ऊपर जल्दी से आप लोगों के लिए कवर करूँ। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जल्दी से जान लेते हैं कौन से है ये इंपॉर्टेंट कॉइन्स। सो गाइस, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों का, सीधा चलते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं पहले क्वाइन की। बस ये देख लेना वीडियो को आपने लाइक कर दिया हो, ये देख लेना आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल ओपन करी है कि नहीं करी है, और अगर आप हमारा फ्री VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक एंड डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया हुआ है, उसके थ्रू आप हमारा फ्री VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको बहुत सारी अल्फा कॉल जैसे ही मार्केट के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट होगी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम अभी की बात करें तो अभी मैंने एक और ग्रुप शेयर किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जहाँ पर हमने कॉल दी है नियर टोकन की, और ऑलरेडी इस वक्त 86% प्रॉफिट चल रहा है नियर टोकन के अंदर हमारे को, हमारी कम्युनिटी को। तो ऐसी सारी कॉल्स को लेने के लिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नीचे ज्वाइन कर लो। पहला टोकन ब्रेट, बेस चेन का सबसे इंपॉर्टेंट टोकन। बेस चेन जब भी आएगी इस साल के अंदर, अगर आती है 2024-25 के अंदर, बहुत ज़बरदस्त आप कह सकते हो 10 गुना हो सकता है ब्रेट 2-3 दिनों के अंदर। तो इस टोकन को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखो जब तक पूरा बुल सीजन खत्म नहीं होता। नंबर 2 टोकन रेजिस्टेंस रॉक, आपने देखा होगा $0.22 से $1 जाते हुए इसको जैसे ही डोक्स टोकन लॉन्च हुआ था और जो इनके CEO थे वो जेल में गए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोटो को चेंज किया और रेजिस्टेंस रॉक की फोटो लगाई, क्लियर करता है टेलीग्राम का टोकन है, टेलीग्राम के ऊपर सबसे बड़ी मीम कम्युनिटी है, तो इसको ना रखना बेवकूफ़ी होगी मैं कहूँगा। और 40 मिलियन की मार्केट कैप का टोकन है जबकि ब्रेट 2 बिलियन तक भी गया था, 40 मिलियन से 4 बिलियन अगर चला जाए तो 100x मिल सकता है, तो ऐसा टोकन हो सकता है रेजिस्टेंस डॉक्स, इसको ध्यान में रखना। 3rd टोकन ओमिकामी, जिसको मैंने बताया था जो कि शिबा इनू के ओनर का टोकन हो सकता है, 5 मिलियन रुपये बताया था पिछली पहली बार, 41 मिलियन, यानी कि अभी से ऑलरेडी 7x है वहाँ से, लेकिन ये पोटेंशियल रखता है अगेन टू बी अ $1 बिलियन क्वाइन अगर यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है और पता चल जाता है वाकई में शिबा इनू के ऑनर का ही है, तो इसके ऊपर जो हाइप होएगी वो अनबीटेबल होगी और ज़िंदगी में दोबारा कभी आप इस पर एंट्री नहीं ले पाओगे तभी। लेकिन हमेशा ये कहूँगा मीम टोकन में जब भी पैसा लगा रहे हो तो छोटा अमाउंट ही लगाना, $100, $200, $500, जो कि अगर आपका लूज़ भी हो जाए तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा गम ना हो। 4th कॉइन जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पेपे कॉइन। ये कॉइन जो है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है लास्ट 4-5 महीने से, मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, पेपे का ही भाई है आप समझ लो, 1 बिलियन तक ये भी गया था लगभग, अभी अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिरी तो ये गिरा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, $2 के ऊपर मैं कहता हूँ अच्छी एंट्री बनती है, $2 से $3 बहुत बार चला जाता है, तो इसके ऊपर आप मल्टीपल टाइम ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हो, बट $5-6 इस सीजन के अंदर मैं इस टोकन को ज़रूर देखता हूँ। 4th टोकन हो गया, अब हमारा आता है 5th टोकन जो कि साइमन्स कैट, जो कि 0.00002 197 मिलियन की मार्केट कैप है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा इसके अंदर आप कह सकते हो साइमन्स की जो कैट है, मतलब कि आप
कॉइनबेस के सीईओ की कुछ लगा लो, उनके से रिलेटेड है, उनकी कैट से रिलेटेड है। तो अभी हमने क्रिप्टो में देखा है बहुत सारी कैट्स, डॉग्स जो कि बड़ी सेलिब्रिटीज़ की होती है, उनके टोकन्स फॉर्म होते हैं। और साइमन्स कैट के ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी है, पूरा अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो मेरे को बताना, मैं आपको ऐसे सब इन सब टोकन्स की स्टोरी लाइन भी आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि नायरो जो है अभी आया, वो नायरो क्यों आया, क्योंकि जो डॉज कॉइन का रियल करेक्टर था वो रियल लाइफ में डेथ हो गई उसकी, उसकी जगह जिस आंटी ने जिसने उसको लिया था डॉज कॉइन को, अब उन्होंने एक और कुत्ते को लिया, डॉग को पाला, जिसका नाम रखा नायरो। और नायरो रखते ही नाम नायरो के ऊपर बहुत सारे टोकन आ गए और नायरो ईथ बहुत ज़बरदस्त फेमस हो गया। वैसे ही साइमन कैट से मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा रिटर्न देने की। स्टिल नो फाइनेंशियल एडवाइस इन होल वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छे लगे तो वो कॉइन्स लेना, नहीं लगे तो आप इनको छोड़ के कोई और कॉइन लेना चाहो वो आप ले सकते हो। सिक्स कॉइन पोंकी, जो कि बहुत ज़्यादा अभी नहीं बढ़ा जितना उसके अंदर कैलिबर है, 140 मिलियन की मार्केट कैप का है। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो $0.70 लगा था, यानी कि यहाँ से 3x तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ही चला जाएगा। और जब मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन के अंदर सीजन आएगा, मीम का सीजन आएगा, तो ये टोकन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रखना मेरे हिसाब से समझदारी होगी। बायबिट बिंगएक्स गेट सबके ऊपर है, अभी बड़े एक्सचेंजेस पे आना बाकी है। लास्ट टोकन हमारी इस वीडियो का जिसका नाम है मायरो, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न हमारे को पहली बारी में दे चुका है, अब दोबारा से काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर हम बात करें तो 84% नीचे है अपने टॉप से, टॉप तक चला जाता है तो 7x के करीब का रिटर्न मिल जाता है। और अगर हम मार्केट की बात करें तो गेट, बिटगेट, कूकॉइन, बिंगएक्स, बायबिट, MEXC सबके ऊपर ये भी अवेलेबल है। तो ये थे मेरे 7 टोकन जिनको मैं अपने पोर्टफोलियो में डिसेंट अमाउंट के साथ रख रहा हूँ। 3-4 वो टोकन है जिनको मैंने रखा हुआ है, जिनमें से मैं कहूँगा डॉज कॉइन है फॉर श्योर, शिबा इनू है, पेपे को मैंने अभी और नहीं रखा बिकॉज मैंने पेपे कॉइन ले लिया है। अगर मैं और उसके अलावा बात करूँ तो शायद मेरे 1-2 और टोकन्स होंगे, जैसे कि बुक ऑफ मी मैंने रखा हुआ है, मैंने विफ हैट रखा हुआ है, तो रखे हुए मैंने टोकन्स बस बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में नहीं, लेकिन ये वाले जो मैंने आपको टोकन बताया इनमें पोटेंशियल ज़्यादा हाई है अर्निंग करने का, दैट इज़ वाई मैं इनको थोड़ी डिसेंट क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में रख रहा हूँ। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड मेक श्योर आपने वीडियो को अभी तक लाइक ज़रूर कर दिया हो। लाइक करे बिना मत जाना, 1 मिनट लगेगा, आलसी मत होना, लाइक ज़रूर करना।